दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको काजू वाली मठरी बनाना बताऊंगी जो बहुत ही क्रिस्पी होती है और कुरकुरी होती है। तो इसे किस तरह से बनाई जाती है तो ये मैं कुछ सीक्रेट आपको इसमें बताऊंगी। तो आइए हम मठरी बनाते हैं। आप ले लें कटोरी, ले लें कुछ, ले लें। मैंने ये 100 ग्राम का कप लिया है। देखिए तो मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैदा को आप हमेशा छान के लें। इससे छानने से क्या है, इसका एक रवा रवा खिल जाता है। तो यह मैंने एक बाउल भर के 100 ग्राम का जो बाउल है ले लिया है। ये देखिए मैं एक बाउल और ले लूँगी तो 200 ग्राम मैंने मैदा ले ली है यहाँ पर। अब मैं इसको छान लेती हूँ। इसका मैदा मैंने ले ली है। अब इसमें मैं एक चम्मच ये जीरा ले रही हूँ। इस हल्का सा पिस कर लेंगे। जीरा डाल दिया मैंने और इसमें एक चम्मच भर के मैंने यह अजवाइन ले ली है। अजवाइन को भी मैं अच्छे से अच्छा क्रश करना है इसका। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसके बिना मठरी बनती भी नहीं है। ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार डाल रही हूँ नमक। ये एक चम्मच नमक मैंने डाल दिया है और आधा चम्मच। अब इसमें मोइन के लिए दोस्तों आप चाहें तो देसी घी का मोइन लगा सकते हैं, ऑयल का भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें मोइन के लिए डाल रही हूँ ऑयल। मोइन हल्के हाथों से अच्छा सा लगाएं ताकि इसके एक एक रवे में लग जाए। और ये इस तरह से अच्छा बंध जाए। हम देखें कि ये बंद गया तो हमारा जो है मोइन परफेक्ट होता है। दोस्तों मोइन को लगाए हुए मैं काफी देर हो गई। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से शक्ता आटा गूंदेंगे। हम लगा करके हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी ढक करके। मैं इसके ढक्कन को हटा देती हूँ। मैदा हमारा अच्छा हो गया है। अब मैं इसको हल्का सा ऑयल लेके हाथ में और आटे को अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा हो गया है। अब मैं इसमें से एक लोई ले रही हूँ। एक लोई मैंने ले ली है। इसका पेड़ा बना लेती हूँ। मैं बेल लेती हूँ पट्टे पे। बहुत अच्छा बिल रहा है ये। पानी करें अच्छा थिक रखें क्योंकि हम इसमें से काजू निकालेंगे। काजू की हम मठरी बना रहे हैं तो इसको ज़्यादा पतला ना करें। ये देखिए इतना थिक रखना है आपको, इसको इतना थिक रखें। इसमें देखिए कोई भी ढक्कन ले लें आप, बोतल का या किसी का भी ढक्कन ले करके उस पर ऑयल लगा करके उसको एक तरफ से काटते जाएं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से काजू काटते जाएं आप और रखते जाएं। ये फटाफट फटाफट कट जाते हैं। ये देखिए बढ़िया शानदार काजू कट रहे हैं हमारे। दोस्तों मैंने इस तरह से पूरी बना करके ये कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए अब मैं इनको तलने के लिए तैयारी है। तो मैंने गैस ऑन कर दी है और गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें तलें आप, तेज आंच में नहीं तलें, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। 2-3 बार में इनको पलट दें इस तरह से। देखिए बहुत अच्छी सीखती हैं। अब इनको सीखने देंगे। जब पिंक कलर की हो जाएंगी ये तब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। ये ब्राउनिश कलर हो गया है, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ब्राउनिश कलर ही आप इनका रखें। ये देखिए दोस्तों अभी एक कटोरी लेंगे हम, उसमें ये आधा चम्मच काला नमक डाला मैंने। ये आधा चम्मच मैंने डाला इसमें गरम मसाला और ये आधा चम्मच काली मिर्ची डाली है मैंने और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा मैंने डाला है और आधा चम्मच ये है चाट मसाला मैंने इसमें डाला है, ये चाट मसाला। अब इनको हम सभी को मिला लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छे से इनको मिला लेंगे और हमने जो ये हमारी मठरी तली है इनके ऊपर हल्का हल्का इनको छिड़क देंगे। इससे इनका स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाता है क्योंकि ये है ऐसे ही तेल में चिपक जाता है।
ये मैंने पूरा डाल दिया। अब मैं इनको हिला लूंगी। मठरी हमारी कंप्लीट है खाने के लिए। तो दोस्तों आप भी इसी ट्रिक से मठरी बनाएं और खाएं और मेहमानों को खिलाएं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।